ओके तो बच्चे आज तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांजिएंट करंट्स। ठीक है, तो व्हाट आर दीज ट्रांजिएंट करंट्स। सबसे पहले हम इस बात को समझेंगे। देखो तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो अभी तक हमने एक बड़े सिंपल सर्किट हमने पढ़ा है। ठीक है, तो एक सिंपल सर्किट मैं अभी आप लोगों के सामने ड्रॉ करने वाला हूँ। लेट अस से मेरे पास एक ये रहा सर्किट जिसमें देयर इज ओनली वन रेजिस्टेंस दैट इज आर, और मैंने यहाँ पर एक डीसी बैटरी लगाई। एक बात आपको मैं अभी तक बता दूं कि आज के टॉपिक में भी देयर इज नथिंग कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। एसी करंट का टॉपिक कुछ बुक्स में चैप्टर में दिया होता है, बट इट इज नथिंग अबाउट एसी। ओके, इट्स एवरीथिंग इज अबाउट डीसी। तो बैटरी यहाँ पर लगी है, अगेन मैं यहाँ पर डीसी लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। दिस इज नॉट एसी टिल नाउ। ओके, तो अब मेरे पास एक सर्किट है जिसमें सिर्फ एक रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है और मेरे पास यहाँ पर डीसी है। एंड लेट अस से देयर इज अ स्विच हियर। ओके, और यहां पर अब मेरे पास क्या कंडीशन रहेगी कि एज सुन एज अब लाइक अभी तक स्विच इसका ओपन है, क्लोज नहीं है, तो मुझे पता है कि द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट विल बी जीरो। बट एज सुन एज द स्विच इज ऑन, ओके, द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग इन द सर्किट इमीडिएटली द स्विच इज पुट ऑन। ओके, स्विच को ऑन करते ही आपके सर्किट में करंट जो है वो बिल्कुल हो गया। तो अगर मैं यहां पर देखूं, जैसे मान लो मैं टाइम पीरियड देखता हूं, तो पहले ले लूं जीरो और एक केस ले लेता हूं इनफिनाइट मतलब स्टेडी स्टेट। तो इसमें अगर मैं करंट को देखूं तो जीरो टाइम पीरियड पर मैं बिल्कुल जब मैंने ऑन किया है उसी वक्त अगर मैं देखूं तो करंट मेरा पीक वैल्यू अटेन कर लेगा और बाद में भी मेरी पीक वैल्यू ही रहेगी। तो मतलब स्टार्टिंग में इनिशियल और ये हो गया स्टेडी स्टेट। ये दो स्टेट्स जो हैं इनमें अगर हम देखें तो देर इज नो डिफरेंस इन दी सर्किट विच इज कंटेनिंग ओनली आर। तो अब जैसे ये ट्रांजिएंट करंट का टॉपिक है, इसको मैं लिखा ट्रांजिएंट करंट एंड स्टेडी स्टेट्स। ठीक है, तो अब ये मेरे पास स्टेडी स्टेट, ये जो मेरे पास मैंने अभी इनफाइनाइट लिखा दिस इज स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट का मतलब है कि जब सब कुछ हो चुका है, मैंने स्विच ऑन कर दिया, उसके बाद मैं छोड़ के चला गया, तो आफ्टर सम टाइम मैंने देखा कि करंट आई नॉट इसका कांस्टेंट वैल्यू ले चुका है, दैट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट। इनफाइनाइट टाइम का मतलब ये नहीं कि इनफाइनाइट टाइम, इनफाइनाइट टाइम मतलब आफ्टर 10 मिनट्स, आफ्टर 15 मिनट्स, कि जब आपकी सारी जो वेरिएशन थी वो सारी की सारी जीरो हो चुकी है। बट लेट अस से अगर मेरे पास यहाँ पर अकेला रजिस्टर ना होता और यहाँ पर कैपेसिटर भी इसके साथ होता या इंडक्टर भी इसके साथ होता, तो मैं एक वैसा केस लेकर देखता हूं कि जैसे मान लो यहां पर मैंने एक कैपेसिटर लगा दिया। नाउ देयर इज अ कैपेसिटी। सो नाउ व्हाट विल हैपन, अगर मैं अब इसमें करंट को ऑन करता हूं तो मुझे पता है कि स्टार्टिंग में इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है कैपेसिटर के ऊपर, तो इट इज एक्टिंग लाइक देयर इज नो कैपेसिटर और पूरे का पूरा करंट फ्लो कर रहा है, पीक वैल्यू अटेन हो जाएगी। मतलब मेरे पास यहाँ पर आई इज इक्वल टू जीरो पे बिल्कुल पीक वैल्यू अटेन हो जाएगी। लेकिन जब मैं स्टेडी स्टेट की बात करूँ तो वी ऑल नो व्हाट विल हैपन। कैपेसिटर है, इसकी चार्जिंग हो जाएगी, चार्जिंग हो जाने के बाद ये एक डिसकनेक्टेड सर्किट की तरह ही एक्ट करेगा। सो इन स्टेडी स्टेट द वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट विल बी जीरो। अगर आपके सर्किट में कैपेसिटर है और आप डीसी बैटरी उसके साथ अप्लाई की हुई है, और मैं अगर स्टेडी स्टेट की बात करूं आफ्टर 5 मिनट्स, 10 मिनट्स और 15 मिनट्स, तो आई विल फाइंड दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट इज जीरो। तो ये जो आपके पास बीच में एक टाइम पीरियड यहाँ पर आ रहा है कि जब मेरे पास यहाँ पर पीक वैल्यू का करंट था आई नॉट और बाद में मेरे पास करंट हो गया जीरो, इस छोटे से टाइम पीरियड के अंदर जो करंट है दैट करंट इज नोन एज अ ट्रांजिएंट करंट। ओके, तो ट्रांजिएंट करंट की मैं डेफिनेशन देता हूं। द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड एंड बिफोर द
द स्टेडी स्टेट इज अचीव्ड। तो स्विच ऑन करने के बाद और स्टेडी स्टेट पहुंचने से पहले जो मेरे पास करंट आएगा उसको मैंने एक स्पेसिफिक नाम दे दिया, ट्रांजिएंट करंट। तो ये हमारे लिए एक नए तरह का करंट है। नए तरह का करंट क्यों है? क्योंकि अभी तक हमने जब भी किया था काम तो हमने सिर्फ और सिर्फ स्टेडी स्टेट में ही काम किया था। रेजिस्टेंस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कैपेसिटर में जब भी हमने किया है तो हमने स्टेडी स्टेट का ही काम किया है। स्टार्टिंग में हमने कभी भी काम नहीं किया आज तक। तो इसलिए ये वाले चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं द ट्रांजिएंट करंट, ठीक है। तो चलो, तो मेरे पास यहाँ पर सबसे पहला, यहाँ पर मेरे पास क्या टॉपिक जुड़ता है, द टॉपिक इज चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर विद रेजिस्टेंस। चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर विद रेजिस्टेंस, या फिर हम ऐसा करते हैं, इसको ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं लिखेंगे अभी, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस मैं यहाँ पर लिखता हूँ। सबसे पहले मैं टाइप्स आपको बताता हूँ कि इसमें हमने करना क्या है। तो देयर आर टू टाइप्स। नंबर वन, वी विल कंसंट्रेट ऑन कैपेसिटर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस। सर्किट में रेजिस्टेंस होना जरूरी है। तो इसके दो पार्ट्स होंगे। नंबर वन इज ग्रोथ ऑफ करंट एंड नंबर टू इज डिके ऑफ करंट। ठीक है, नंबर टू, इंडक्टर तो अब आपके जो सर्किट है उसमें एक इंडक्टर है और एक रेजिस्टेंस है। तो यहां पर भी मेरे पास दो चीजें क्रिएट होंगी, एक बनेगा ग्रोथ और दूसरा बनेगा डिके। डिके नहीं कह सकते आप इसको, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर जैसे हम कहें, तो इसे हम कह सकते हैं चार्जिंग एंड दिस विल बी कॉल्ड डिस्चार्जिंग ऑफ। सो लेट अस सी व्हाट विल हैपन। ओके, तो सबसे पहले हम कैपेसिटर में एंटर करते हैं 1A, सो दिस इज चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। नाउ व्हाट इज दिस? तो यहां पर मैं सबसे पहले एक सर्किट क्रिएट करूंगा, there is this battery, there is a resistance and there is a capacitor C. So now what is happening? Charging ho rahi hai, theek hai, aur isko maine likh diya V yahan pe and the current is like flowing like this. So let us say I is the current that is flowing. To steady state mein mujhe pata hai yahan par kya hoga. Steady state mein yahan pe current ki value ho jayegi zero और इसकी चार्जिंग हो जाएगी और इसका कोई फायदा नहीं होगा रेजिस्टेंस का, क्योंकि करंट नहीं फ्लो कर रहा। तो उससे पहले अब मेरे पास क्या हो रहा है? सो नाउ आई विल स्टार्ट विद किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ अप्लाई किया ऐसे, सो वी माइनस आई आर माइनस क्यू बाय सी। कैपेसिटर को हमेशा नेगेटिव ही लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी जब चार्जिंग होगी तो ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव होगा और रैंडमली चोजन टाइम पे इसके पास क्यू चार्ज होगा, स्मॉल क्यू। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ले लिया एंड दिस विल बी इक्वल टू जीरो। तो इसको मैं अब सॉल्व करता हूं, वी इज इक्वल टू आई आर प्लस क्यू बाय सी, और यहां पर मैं करंट को क्या लिख सकता हूं, डी क्यू बाय डी टी। अब देखो यहां पर मैंने डी क्यू बाई डी टी मैंने पॉजिटिव लिया है क्योंकि ये चार्जिंग हो रही है, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर मैं क्यू की बात करूं तो वो इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू टाइम
चार्ज इज इंक्रीजिंग ऑन कैपेसिटर। ओके, तो मैंने dQ by dt को लिया पॉजिटिव और मेरे पास ये इक्वेशन बन गई, इसमें मैंने पुट कर दी वैल्यू। अब जिनका मैथ्स है सेपरेटिंग द वेरिएबल वाले मेथड से, मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है। तो ये हो गया dQ by dt, Q की टर्म्स को इधर लेकर आना है तो मैं C को ऊपर लेके जा रहा हूँ, VC माइनस Q इज इक्वल टू RC dQ by dt, यहां पर मैं सेपरेटिंग द वेरिएबल कर दिया। अब मैं यहां इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो जब इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे लिमिट्स लगानी पड़ेंगी, इट विल बी अ डेफिनेटिव इंटीग्रल, और डेफिनेटिव इंटीग्रल जो है उसमें मुझे बड़े ध्यान से लिमिट्स को यहां पर चूज करना है। तो टाइम के ऊपर लिमिट लगा दो 0 to t, ये टाइम का लिमिट हो गया। तो अब आप देखो कि यहां पर मुझे क्यू के ऊपर लिमिट लगाना है, तो जब टी 0 था तो क्यू कितना था, 0 था, और बाद में कितना हो गया, Q हो गया। तो बड़ा सिंपल सी चीज थी, हमने यहाँ पे लिख दिया, तो नाउ आई विल इंटीग्रेट इट। तो ये मेरे पास बन गया T डिवाइडेड बाय RC इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, अब ध्यान से बच्चे, इसका इंटीग्रेशन होगा ln VC माइनस Q, और Q के साथ में लगा हुआ है माइनस, तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस 0 टू। अब मैं यहां पर वैल्यू पुट करने वाला हूं, ये मैंने बना दिया माइनस टी बाय आरसी एलएन वीसी माइनस क्यू। तो यहां से क्यू का मेरे पास फॉर्मूला निकलेगा, वीसी माइनस क्यू इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस टी बाय आरसी। ओके, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं, ओके बिल्कुल नहीं, एक गड़बड़ हो गई। ई के साथ में, हाँ यहां पर गलती की ना मैंने डेफिनेटिव इंटीग्रल में बच्चे, तो इस तरह अगर कभी गलती हो जाए तो आपको तुरंत पता चलना चाहिए, यहाँ पे माइनस भी तो हमें करना था, एलएनवीसी जीरो पुट करूंगा ना डेफिनेटिव इंटीग्रल दोनों की दोनों चीजें, तो यहां पर मेरे पास आ गया एलएन वीसी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय वीसी। And so now, what is VC? तो आप सोच के देखो VC क्या है, V era और C era। तो VC का मतलब हो गया कि अगर मेरे पास इसकी total charging हो जाएगी, तो capital Q की value मेरे पास VC आएगी, या फिर मैं capital Q नहीं लिखता, यहाँ पे Q not लिख देता हूँ। तो Q not की मेरे पास value VC आएगी, that is the maximum charge that will be on the capacitor charging के बाद। तो मैं अब यहाँ पर इसको Q not लिख दूंगा यहाँ पे। तो ये हो गया मेरे पास Q नॉट माइनस Q डिवाइडेड बाय Q नॉट इज इक्वल टू E रेज टू पावर माइनस T बाय RC। यहां से मैं Q निकालने की कोशिश करूंगा, लो भाई, तो ये आ गया आपका इंस्टेंटेनियस चार्ज, ठीक है। तो आई कैन से दिस इज द इंस्टेंटेनियस चार्ज ऑन कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ। तो कैपेसिटर के ऊपर आपके पास चार्ज कितना आएगा, इसकी आप इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकाल सकते हो बिफोर स्टेडी करंट। तो इसमें अब स्टेडी करंट वाले केसेस हम ट्राई भी करके देख लेते हैं। तो यहां पर मैं लिखता हूं स्पेशल केसेस, तो अब आप वैल्यू पुट करके देखो। तो सबसे पहले टी को जीरो पुट करते हैं, दैट इज मतलब
जब मैंने स्विच ऑन किया तो उस वक्त इसके ऊपर चार्ज क्या था? जीरो था, तो क्या इसकी वैल्यू जीरो आ रही है? अब टी को मैंने जीरो पुट किया तो दिस विल कम आउट टू बी क्यू नॉट इंटू वन माइनस ई रेज टू पावर जीरो, सो दिस विल बी क्यू नॉट इंटू वन माइनस वन एंड यस इट इज कमिंग आउट टू बी जीरो। इसका मतलब है जब मैंने स्टार्टिंग में बटन ऑन किया, स्विच ऑन किया, तो मेरे चार्जर के, मेरे कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना था? जीरो था। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जब मैं स्टेडी स्टेट की बात करता हूं, अब मैं टी को इन्फिनाइट पुट करूंगा, अब अगर मैं टी को इन्फिनाइट पुट करूंगा तो व्हाट विल हैपन? ये मेरे पास वैल्यू बनेगी क्यू नॉट इंटू वन माइनस वन बाय इन्फिनिटी, सो दैट विल बिकम जीरो, सो दिस इज कम आउट टू बी क्यू नॉट, तो क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट। तो मैक्स चार्जिंग हो गई भाई, ऑब्वियसली चार्जिंग आपकी मैक्सिमम आएगी। तो आपके ये दोनों केसेस को हमने यहाँ पर ट्राई करके देख लिया, तो इससे हमें पता चलता है कि आपका जो फॉर्मूला आपने बनाया ये बिल्कुल सही बनाया है। तो ये हो गया मेरे पास चार्जिंग का फॉर्मूला। अब यहां से मैं करंट को फाइंड करूंगा। करंट को कैसे फाइंड करेंगे? इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। सो द एक्सप्रेशन और इंस्टेंटेनियस करंट ट्रांजिएंट करंट, तो ट्रांजिएंट करंट हमारा टॉपिक है तो वो तो निकालेंगे तो सही। तो I इज इक्वल टू करेंगे हम टी क्यूब बाय टी टी। तो अब जो मेरे पास ये वैल्यू है इसका डिफरेंशिएशन मुझे करना है, तो Q नॉट तो ऐसे की ऐसे आएगा, वन का जीरो हो जाएगा। ये मेरे पास Q नॉट को तो ऐसे लिख लो, वन को लिख दिया जीरो, तो माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। तो इसका मैंने डिफरेंशिएशन आपको बताया था, e raise to power x का differentiation e raise to power x होता है, लेकिन यहां पर chain rule लगेगा तो minus 1 by rc भी आएगा। अगर ना पता हो तो मुझे बता देना बाद में, ठीक है ना। तो माइनस से माइनस आपके पास कट गया, तो आपकी वैल्यू आ गई q नॉट by rc into e raise to the power माइनस टी बाय आर सी। तो ये आ गया आपके पास आई, तो हम लिखेंगे आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू ई रेज टू द पावर टी बाय आर सी। लो भाई, तो ये हो गया आपके पास करंट का एक्सप्रेशन। इंस्टेंटेनियस करंट भी लिखने के लिए ट्रांजिएंट करंट विल बी द राइट टर्म। ट्रांजिएंट करंट इन चार्जिंग। हाँ भाई बच्चा लोग, समझ में आ गया यहां तक? ठीक है, तो यहां से अब एक नई चीज निकलने वाली है ना, दैट इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट इज टाउ एंड इट इज डिफाइंड एज टाउ इज इक्वल टू आरसी। तो हम ये क्या करेंगे, टाइम कांस्टेंट का क्या मतलब है कि टी को मैं आरसी वैल्यू पुट करता हूं। सो What will happen when t is equal to rc? Current I is equal to I naught into e raised to the power t by rc. इसमें मैं जब rc put करूंगा तो ये मेरे पास बनेगा I naught into e raised to power minus minus one. So what will be the value of this? So minus one, 2.718. तो ये कितनी वैल्यू आती है भाई, देखो इसको, 1 divided by 2.718, so it is coming out to be 3.367. it means that time constant is the time in which 36.7% of peak value of current
हैज बीन अचीव, ठीक है ना, 36.7% ऑफ द करंट हैज बीन अचीव्ड, तो आपके पास अब बचा कितना, 63.2, सो 63.2% ऑफ पीक वैल्यू इज येट टू बी अटेन्ड, इज येट टू बी अटेन्ड। बच्चों समझ में आ गया? हाँ भाई, हाँ जी सर। तो Q का आप देख लो इज इक्वल टू T by RC। यस सर। गुड, वेरी गुड बेटा। अब यहां पर अगर मैं T को फिर से RC पुट करता हूं तो व्हाट विल हैपन, तो Q विल बी इक्वल टू Q नॉट इनटू 1 माइनस e रेज टू द पावर माइनस 1, सो दिस विल कम आउट टू बी 0.632 ऑफ द पीक वैल्यू। तो टाइम कांस्टेंट को ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है कि इट इज द टाइम इन विच the capacitor is 63.2% charged। तो आपका 63.2% charging हो चुकी है and 36.7% is left। ठीक है ना, 36.7% is left। चलो जी, तो अब इसके बाद अब ये तो मेरे पास बन गया टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा हमारे पास टॉपिक है, तो इसको आपने ध्यान से रखना है। तो अब मैं बनाऊंगा इनके ग्राफ और ये रहे चार्जिंग क्यू और आई का ग्राफ बनेगा। तो अब क्या आएगा, तो मेरे पास यहां पर Q का मैंने फंक्शन फिर से लिखा, माइनस टी बाय आर। तो अब आप देखो, अब ये दोनों को मैं बनाने वाला हूं, इसीलिए अब ये ग्राफ ड्रॉ करने थे, दैट इज व्हाई आई वाज टेलिंग यू कि जो मैंने लॉगरिथमिक वाले आपको ग्राफ करवाए उनको आपने रिवीजन करना है और अब आएगा उनका यूज। ये हो गया मेरे पास टाइम एक्सिस, तो दूसरे वाले एक्सिस पे मैं पीक वैल्यू के कंपैरेटिव बनाऊंगा, ड्रॉ करूंगा। तो अब आप देखोगे क्या क्या चीजें बनेगी। तो क्यू का जो बनेगा मेरे पास चार्जिंग वो क्या होगा, स्टार्टिंग हमारी क्यू की जीरो से होगी और इसकी एक पीक वैल्यू होगी विच इट विल नेवर अटेन। सो लेट अस से दिस इज दैट पीक वैल्यू। तो यहां पर जो मेरे पास ग्राफ बना, अब ये बिल्कुल माइनस ऑफ, अब देखो ये माइनस ऑफ ई रेज टू पावर माइनस एक्स का ग्राफ है जो कि मैं आपको पहले ड्रॉ कर चुका हूं, ठीक है। उसमें वन को ऐड कर दिया हमने, वन ऐड कर दिया मतलब वो नीचे था और अब उसको ऊपर उठा लिया हमने। तो ये मेरे पास ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे। तो ये ग्राफ है मेरे पास क्यू का, दिस इज व्हाट इज क्यू, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट आई, तो आई मेरे पास जो मेरे पास यहाँ पे करंट आ गया आई, सो दिस करंट विल बी ये रिड्यूस होएगा, तो करंट आपका कम होता जा रहा है, तो करंट की जो पीक वैल्यू है वहां से करंट रिडक्शन लेगा। तो ये आपके पास ग्राफ बनेगा ऐसे। सो दिस विल बी द ग्राफ फॉर द करंट, ठीक है। तो अब ये पीक वैल्यू को मैं यहां से रब कर रहा हूं, तो करंट के लिए इट विल बी आई नॉट और उसके लिए इट विल बी क्यू नॉट, ठीक है ना। तो दो ग्राफ में मैं दोनों ग्राफ्स को मैंने इकट्ठे डाला है ताकि कंपैरिजन हो सके। तो अब आप देखो, इसमें मैं टाइम कांस्टेंट की वैल्यू अगर मैं डालूंगा तो व्हाट विल हैपन। अब ये रहा टी, ये रहा टी मेरे पास। तो अब आप टाइम कांस्टेंट की वैल्यू हम यहां पर लगाने वाले हैं, तो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू आएगी अगर मैं चार्जिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो 63.2% चार्जिंग हैज ऑलरेडी बीन डन। तो मेरे पास ये टाइम कांस्टेंट कुछ यहां पर आएगा, ये
nearly this. So this is the time. So t is equal to tau, where tau is the time constant. तो आप देख सकते हो कि चार्जिंग जो है आपकी, सॉरी जो करंट है जो आपका, वो रिड्यूस हो रहा है और चार्जिंग आपकी ऊपर जा रही है. तो 63% चार्जिंग जो है दैट हैज बीन डन, दैट हैज बीन अकम्प्लिश्ड. ठीक है, और अगर मैं करंट की बात करूं तो 36.7% ऑफ आई नॉट, ये यहां तक करंट आपका नीचे आ चुका ही है. तो ये हो गया आपका टाइम कांस्टेंट एंड ये हो गए आपके दो ग्राफ. हाँ भी बच्चों, समझ में आ गया मैंने क्या किया है? क्लियर? तो ये हो गए आपके पास सारे का सारा चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर. अभी हमें डिस्चार्जिंग तो हमने किया ही नहीं है. So now let us come to discharging. अब इसमें मेरे पास B part आ गया, discharging. तो discharging के केस में क्या होगा? Now again, अब मैं सर्किट बनाने वाला हूं, तो obviously there will be no battery now, okay? So there will be a capacitor here and there will be a resistance here. Okay. और यहां पर मेरे पास होगी, सॉरी, कैपेसिटर. ठीक है, तो सी यहां पर फुली चार्ज्ड है और इसमें लाइक क्यू नॉट है मेरे पास, फुली चार्ज. तो फुली चार्ज जो है, अब यहां से करंट जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एंड इट विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग. तो नाउ व्हाट विल हैपन, और अब देखते हैं कि इसमें क्या होगा. अगेन मैं यहां पर किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करूंगा, तो ये मेरे पास बनेगा क्यू बाय सी. अब मैं पॉजिटिव लूंगा, ठीक है, बिकॉज इट इज एक्टिंग लाइक ए बैटरी, सोर्स बैटरी, माइनस आई आर एंड दिस विल बी इक्वल टू जीरो. So Q by C is equal to I into R. But what should be the value of the current I? So I यहाँ पर मेरे पास आएगा minus dQ by dt. Why negative? Because with respect to time, the charge on capacitor is reducing. अब चार्ज इस पे कम हो रहा है, डिस्चार्जिंग है ना, तो रेट रेट देखना पड़ेगा आपको. तो इसका चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रहा है, वो रिड्यूस हो रहा है. तो यहां पर मैंने माइनस करना पड़ेगा, तो दिस विल कम आउट टू बी माइनस डी क्यू बाय डी टी इंटू आर विल बी इज इक्वल टू क्यू बाय सी. तो ये मेरे पास बन गया क्यू बाय आर सी. यहां पर सेपरेटिंग द वेरिएबल, डी क्यू बाय क्यू. ठीक है, और अब मैं इसमें करूंगा इंटीग्रल. अगेन आई विल बी वेरी वेरी केयरफुल एट दिस टाइम. जब भी हम डेफिनेटिव इंटीग्रल में जाते हैं, लिमिट्स को बहुत ध्यान से रखना है. बच्चे गलती यही करते हैं, बाकी सारा रट देते हैं, लेकिन यहां गलती होती है. अब टाइम जब जीरो था तो चार्ज देखो कितना था, तो चार्ज मेरे पास था ये क्यू नॉट. लेकिन जब टाइम टी है तो उस पूरा 100% डिस्चार्ज नहीं हुआ वो, तो मैं जीरो नहीं लिखूंगा यहां पे, मैं क्यू लिखूंगा. हम इसको हम करते हैं, तो ये मेरे पास बन गया माइनस टी बाय आर इज इक्वल टू एल एन ऑफ ln q by q naught minus t by rc. यहां से I can straightway jump to the conclusion that charge will be equal to, हाँ भाई दिक्कत किसी को कोई? ये हो गया instantaneous charge, ठीक है ना, on the capacitor during discharging.
तो डिस्चार्जिंग जब भी होगी तो उस पे आपका जो चार्ज होगा वो इस इक्वेशन को फॉलो करेगा। पहले वाली कौन सी इक्वेशन थी? पहले वाली इक्वेशन थी हमारी 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, लेकिन अब ये क्या हो गया मेरे पास, अब ये दूसरा बन गया। टाइम कॉन्स्टेंट अभी भी आपके पास आर सी ही आ रहा है, इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू रीडिफाइन द थिंग्स। तो अब मैं ये क्या करूंगा, डिफ्रेंशिएट करके इसका करंट, I is equal to dq by dt, तो ये बनेगा dq minus t by rc, इसको मैंने डिफरेंशिएट किया तो 1 by rc, so this will become q naught by rc, और ये बन गया e minus t by rc, so this is me। तो अब ये क्या बन गया मेरे पास, I is equal to ये बिल्कुल वही करंट बना जो पहले बना था, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, सेम करंट है, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग है, सिर्फ इतना ही फर्क है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। द ओनली थिंग इज दैट नाउ द करंट इज फ्लोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो आप इसको कंपैरेटिवली अगर मैं यही वाले सेम इसमें लेके चलूं, तो अगर मैं एक करंट की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानता हूं, कहां गया सर्किट ये, अगर मैं ये वाले करंट के डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूंगा तो डिस्चार्जिंग में वो नेगेटिव होगा, तो ये सारे का सारा टर्म नेगेटिव ले जाएंगे क्योंकि बिकॉज इट इज डिस्चार्जिंग। ओके ओके, ये यहां पर मैं देखो मैं आपको बताता हूँ, आई इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डीटी आना था ना, माइनस, तो ये नेगेटिव आएगा बिकॉज करंट इज माइनस डी क्यू बाई डीटी। तो अब मैं जब इसका ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा बनेगा, ग्राफ अब इसके ठीक है, अब देखो अब ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस आ गया, तो जो मेरे पास चार्ज है उसकी एक पॉजिटिव वैल्यू है और वो रिड्यूस हो रही है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर मैंने एक वैल्यू रखी एंड आई चूज इट टू बी डी क्यू, तो डी क्यू का ग्राफ जो बनेगा वो लॉगरिथमिक की तरह बनेगा, ऐसे नीचे जाता हुआ, इट विल रिड्यूस। और अगर मैं बात करूँ करंट की, तो पहली बात तो करंट को नेगेटिव लेकर चलना है मैंने, तो ये नेगेटिव साइन में चला जाएगा और ये हो जाएगा इसका राइजिंग, ये हो गया मेरे पास करंट। हाँ भाई बच्चों देख लो इसको ध्यान से जरा एक बार, मैं आ रहा हूं 2 मिनट। हेलो हेलो, ओके ठीक है बच्चों, तो इसमें अब आपको समझ में आ गया ये क्या बनाया मैंने, ये नेगेटिव वैल्यू है इसलिए मैंने इसको नीचे की तरफ से बना दिया, अदरवाइज ये बिल्कुल क्यू के तरह ही आना था। अगर आप इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते तो जो क्यू का ग्राफ बना है वही ग्राफ आपके पास करंट का बना। हाँ भाई यहां तक अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो बच्चे। Is it done? हाँ जी सर। चलो तो अब मैं चलता हूं सेकेंड पॉइंट पे, सो नाउ वी आर मूविंग टू इंडक्टर। तो अब ये थोड़ा सा फास्ट खींचेंगे हम, टाइम भी कम है एंड पुराने वाला जो हमने अभी किया है बिल्कुल उसकी कॉपी है, तो दैट इज वाई आई विल बी लिटल फास्ट नाउ। तो अब देखते हैं, अब मेरे पास यहाँ पर मैंने सर्किट बनाया, तो इसमें भी मेरे पास दो केसेस हैं, तो सबसे पहला केस आ जाएगा व्हेन आई एम यूजिंग अ बैटरी, तो ग्रोथ ऑफ करंट,
ठीक है, तो ग्रोथ ऑफ करंट में याद ये रहना चाहिए कि एवरीथिंग इज डीसी, एसी की शुरुआत ही नहीं हुई अभी तक। तो इंडक्टर है एल आर और वोल्टेज है मेरे पास वी। सुनाओ क्या करेंगे, अब यहां पर भी हम किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो किरचॉफ लॉ अप्लाई किया ऐसे, ठीक है। And let us say that the current flowing through this was I at some instant. So Kirchhoff's law V minus IR minus. अब देखो, अब अगर मेरे पास इंडक्टर है तो ये भी मैंने आपको बताया था कि जब भी इसमें से करंट पास होगा तो ये भी ये बैक EMF प्रोड्यूस करेगा, तो इट विल ऑल्सो एक्ट लाइक अ बैटरी। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ऑब्वियसली E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, तो ये बन गया मेरे पास माइनस एल डी आई बाई डी टी। It will always be taken as minus y because current इधर जाए या उधर जाए, back EMF will always be opposite to the current, so it will always be negative. तो ये आ गया मेरे पास minus L di by dt. तो अब मैं इसको सॉल्व करके देखता हूँ। di by dt. तो अब मैं इसको again separating the variables. तो how will I do that? I ओके चलो इसको ऐसे रख लेते हैं, डी टी को डी टी बाई एल विल बी इक्वल टू वी माइनस आई आर इंटू टी आई, ठीक है। अब इसको हम करते हैं इंटीग्रेट, नहीं मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, ओहो डी टी बाई एल गेन लिमिट्स लगाई 0 टू टी, टाइम तो मुझे पता है 0 टू टी लेना। तो अब मैं यहां पर लेने वाला हूं करंट, कि करंट की मेरे पास यहां पर क्या वैल्यू आने वाली है। तो स्टार्टिंग में यहां पर मेरे पास करंट कितना फ्लो कर रहा होगा, ऑब्वियसली स्टार्टिंग में करंट इज 0, ठीक है। और बाद में जब मैं यहां पर करंट देखूंगा तो एट टाइम टी द करंट विल बी आई, कोई भी रैंडम चॉइस हो गई मेरे पास, इसमें चार्जिंग का कोई क्यू का कोई फंडा नहीं है, ठीक है। तो ये बन गया मेरे पास t डिवाइडेड बाय l इज इक्वल टू लॉग ऑफ v माइनस आई आर और लिमिट्स लगा दूंगा मैं 0 टू i, सो दैट मींस ln v माइनस आई आर माइनस ln v, ठीक है। और यहाँ पे 1 बाय r भी आएगा, ठीक है ना, क्योंकि जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो i के कारण तो मेरे पास log बनना था, लेकिन ये आर मेरे पास बाहर भी आना था, तो मुझे यहाँ पर डिवाइड करना था, दैट इवन नेगेटिव, क्योंकि आई का कोफिशिएंट क्या है माइनस आर, तो मुझे वन डिवाइडेड बाय माइनस आर से डिवाइड करना था। ये इंटीग्रेशन का प्रिंसिपल है बच्चे, ठीक है। तो ये हो गया दिस माइनस वन बाय आर, सो दिस विल कम आउट टू बी माइनस वन बाय आर माइनस आर बाय एल इनटू टी इज इक्वल टू एल एन वन माइनस आई आर। तो आई आर आपके पास क्या हो गया, जो मैक्सिमम वी आएगा, ठीक है ना। नहीं, आई आर डिवाइडेड बाय वी ही लिखेंगे हम इसको, ठीक है। आई आई तो कोई भी चोजन वैल्यू है ना मेरी एट टाइम टी, आई इज नॉट आई नॉट, v will be equal to i naught into r, तो वो मैं later convert करता हूँ। तो अब यहाँ से मेरे पास e की power चढ़ा देंगे इसको, one minus इसको मैं लिख देता हूँ i naught by r, तो ये आ गया मेरे पास करंट, यही आता है ना करंट,
उसमें कुछ गड़बड़ हो गई है, 2 मिनट जो मैं आपको एक ऐसे ही पड़ेगा, इसमें कोई गलती तो नहीं होनी चाहिए। ओके वेट वेट अ मिनट, आई विल चेक इट, अदरवाइज ये बिल्कुल ठीक है, गलती तो नहीं होनी चाहिए इसमें। बिल्कुल सही है बच्चे, हम वी आर नॉट रॉन्ग एट ऑल। लो जी, तो ये मेरे पास बन गया आई, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस, सिर्फ एक कंफ्यूजन था मुझे छोटा सा, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास इंस्टेंटेनियस करंट, ट्रांजिशन करंट फॉर इंडक्टर ग्रोथ। तो अब ये ग्रोथ हो गया, तो इसमें क्यू का तो कोई फंडा है नहीं, तो टाइम कांस्टेंट अब हम देख लेते हैं। तो यहां पर टाउ कैसे डिफाइन होगा, एल बाय आर। तो मैं जब टी को एल बाय आर सब्स्टिट्यूट करूंगा, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द करंट, तो आई विल बी आई नॉट इनटू 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस 1, एंड दिस विल कम आउट टू बी ट ऑफ दी पीक, ठीक है ना। यस बिल्कुल सही है, 63.2%। तो इस केस में जब मेरे पास करंट की वैल्यू ये आ गई, तो यहां पर मेरे पास टाइम कॉन्स्टेंट पर अगर मैं जाऊंगा, तो करंट मेरे पास 63.2% बनेगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा करंट का, वो बिल्कुल सेम टू सेम बनेगा, क्योंकि वो सॉरी यहाँ पे क्यू वाला बनेगा, जो क्यू वाला चार्ज बना हुआ है वो मैं आपको भी बना कर देता हूं। चलो तो अब मैं करता हूं ग्राफ, ग्राफ चलो ग्राफ बना लेते हैं। एक ये वैल्यू हो गई आपके पास, दिस वैल्यू में भी I नॉट, और I नॉट की वैल्यू बनेगी, तो इसका ग्राफ बनेगा सिंपल। ठीक है, तो इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, और आपके पास ये ग्राफ बन गया बिल्कुल ये वाला। नहीं 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 नहीं, नहीं मैंने गलत बना दिया ऐसा। इंडक्टर के केस में करंट की ग्रोथ होनी है ना, हाँ इंडक्टर के केस में करंट की ग्रोथ होनी है बच्चे, मैं गलत हूँ, ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो इट विल अटेन द वैल्यू ऑफ आई नॉट, तो ये आई नॉट की वैल्यू इसकी अटेन हो जाएगी, और यहाँ पे स्टार्टिंग में इसका बस क्या था, जीरो टी एंड करंट, सो दिस इज द ग्रोथ। चलो जी, अब इसके बाद मैं डिके कर लेता हूँ, 1A वी हैव कंप्लीटेड, सो नाउ लेट अस गो टू 1B, सॉरी 2B। डीके ऑफ करंट, तो डीके ऑफ करंट में फिर अब मेरे पास कोई बैटरी नहीं होगी, देयर विल बी ओनली इंडक्टर एंड द रेजिस्टर। तो अब जब इसमें करंट मूव करेगा, ठीक है, तो नाउ व्हाट विल हैपन, अब मैं अगेन किरचॉफ लॉ अप्लाई करने वाला हूं। माइनस एल डी आई बाय डी टी माइनस आई आर विल बी इक्वल टू जीरो।
और इसको सॉल्व करते हैं हम, एल अब यहां पर अगर हम लिमिट्स लगाएंगे तो देखो, तो स्टार्टिंग में यहां पर करंट होगा मेरे पास आई, स्टार्टिंग में करंट होगा आई नॉट और यहां पर चला जाएगा आई। So this implies the current I will be given by peak value e raised to power minus t R t by L। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? हाँ भाई, तो ये आपके पास हो गया टी के, ठीक है, और जो इससे पहले था ये हो गया आपके पास ग्रोथ, दिस इज ग्रोथ एंड दिस इज डीके। तो अब इसमें जब मैं वैल्यूज पुट करूंगा, ग्राफ बनाऊंगा, तो देखते हैं क्या आएगा मेरे पास। टाइम कांस्टेंट आपको मैं पहले डिफाइन कर चुका हूँ, डायरेक्ट हम ग्राफ पर पहुंचेंगे यहाँ पे। तो t इज इक्वल टू जीरो पे आपके पास आई नॉट होगा वैल्यू, और उसके बाद फिर ये करंट आपका जीरो होने लगेगा। तो अगेन इट विल फॉलो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। ठीक है बच्चों, बन गई बात। ये आपके पास करंट यहां पर डिके हो गया, तो करंट इज डाइंग हेयर एंड हियर द करंट इज ग्रोइंग। तो ये ग्रोथ है करंट का और ये करंट का डिके है। तो आपके पास अब ग्राफ भी बन चुके हैं और हमारे पास ये सारे के सारे फॉर्मूले बन गए हैं, ठीक है। और चलो अब इन सब फॉर्मूलों को मैं एक जगह पर इकट्ठे लिख लेता हूँ, सो दैट विल बी अवर लास्ट कंक्लूडिंग पार्ट फॉर टूडे। ठीक है, तो कंक्लूडिंग पार्ट है, सबसे पहले मैं बात करूंगा कैपेसिटर और रेजिस्टर की। इसमें मैंने देखा कि Q मेरे पास चार्जिंग के दौरान Q इज कमिंग आउट टू बी दिस, ओके, चार्जिंग के दौरान एंड द करंट इज कमिंग आउट टू बी माइनस टी बाय आर सी। ये हो गया चार्जिंग, और डिस्चार्जिंग के दौरान मेरे पास क्यू इज कमिंग आउट टू बी क्यू नॉट इनटू ई रेज टू द पावर माइनस टी बाय आर सी एंड करंट इज कमिंग माइनस आई नॉट इनटू ई रेज टू पावर माइनस टी बाय आर सी। तो ये है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, ठीक है। हाँ भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। और दूसरा मेरे पास आ गया इंडक्टर का केस, तो उस केस में जब मेरे पास ग्रोथ की बात की मैंने, तो एट दैट टाइम क्यू का तो कोई फंडा है नहीं, तो करंट ही है। तो ये आएगा मेरे पास आई नॉट इंटू वन आर टी बाय एल,
ठीक है, और डिस्चार्जिंग में I इज इक्वल टू I नॉट इनटू e रेज टू द पावर माइनस r / n इनटू t. सो दिस इज व्हाट वी हैव गॉट, ठीक है, फ्रॉम टुडेज पार्ट. तो अब यहां पर अगर मैं आता हूं तो अब देखते हैं कि इसमें स्टेडी स्टेट में हमें क्या क्या मिलता है. तो स्टेडी स्टेट में अगर मैं चार्जिंग की बात करूं, ठीक है, तो जब मैं यहां पर टी को मैं अगर मैं जीरो पुट करता हूं, तो स्टेडी स्टेट में टी इज इक्वल टू जीरो और टी इज इक्वल टू इनफिनिटी दोनों की तरफ मैं बात करूंगा. कैपेसिटर वाले सर्किट में तो टी इज इक्वल टू जीरो पे मेरे पास इसकी चार्जिंग क्या हो जाएगी, जीरो, और करंट, चलो मैं सिर्फ करंट के बारे में बताऊंगा, ठीक है. तो करंट फ्लोइंग विल बी स्टार्टिंग में बिल्कुल आई नॉट करंट होगा और बाद में द करंट विल बिकम जीरो. जब मैं यहां पर टी की वैल्यू माइनस इनफिनिटी पुट करूंगा तो यहां पर बन जाएगी जीरो चार्जिंग, ड्यूरिंग चार्जिंग, ओके. और मैं अगर इंडक्टर की बात करता हूं, टी इज इक्वल टू जीरो और टी इज इक्वल टू इनफिनिटी चार्जिंग वाले केस में, स्टार्टिंग वाले केस में, तो टी को मैं जीरो पुट करूंगा तो करंट मेरे पास आएगा जीरो, ठीक है. और अगर मैं टी को इनफिनिटी पुट करूंगा तो ये वाला हो जाएगा जीरो, तो मेरे पास करंट बनेगा इनफाइनाइट. तो ये हो गया मेरे पास चार्जिंग वाला केस. तो अब आप यहां पर देख सकते हो कि इसका मतलब क्या है. इसका मतलब ये है कि इन स्टेडी स्टेट, इन स्टेडी स्टेट कैपेसिटर विल एक्ट लाइक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस. ठीक है, स्टार्टिंग में वो कैसा एक्ट करेगा कि जीरो रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, स्टार्टिंग जीरो रेजिस्टेंस, और बाद में इनफाइनाइट. लेकिन इंडक्टर के केस में ये उल्टा हो जाएगा. तो इंडक्टर के केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, इंडक्टर एक्ट्स एज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इन स्टार्टिंग एंड लेटर या इन स्टेडी स्टेट इट एक्ट्स लाइक जीरो रेजिस्टेंस. तो ये मेरे पास बन गया यहां पर जीरो रेजिस्टेंस और यहां पर बन जाएगा इनफाइनाइट रेजिस्टेंस. तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस से जीरो चला जाएगा, लेकिन कैपेसिटर पहले जीरो रेजिस्टेंस एक्ट करेगा और बाद में वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस बन जाएगा. हाँ भाई बच्चों, ये बात क्लियर हो गई आपको? हाँ जी सर. ठीक है ना, तो ये आपका कंक्लूडिंग पार्ट है, इसको आपने ध्यान से देख लेना है, ठीक है ना. चलो, तो ये हो गया बच्चे. अगर आपको किसमें किसी में भी कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो. हाँ भाई, किसी को कोई डाउट है? नो डाउट? नहीं. ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है आपका बच्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है और बड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है. बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं. तो आई हैड tried to be as clear as possible with you. ठीक है, तो इसमें कोई भी डाउट मत लेकर आना. देखो, सबसे पहले टाइप्स हैं. टाइप्स में क्या है, एक टाइप आपका कैपेसिटर को लेकर बनता है और दूसरा आपको इंडक्टर लेकर बनता है. जो कैपेसिटर लेकर बनता है उसमें दो पार्ट बनेंगे, ग्रोथ एंड डीके, और इंडक्टर बनेगा उसमें भी दो पार्ट बनेंगे, ग्रोथ एंड डीके. तो ये चारों के चारों पार्ट हमने किया. हाँ, कैपेसिटर के केस में फर्दर दो पार्ट बन जाते हैं, एक चार्ज और एक करंट. ठीक है, जिसके कारण बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. तो सारे का सारा कुछ करने के बाद, टाइम कांस्टेंट बताने के बाद, ग्राफ भी आपको बनवा दिए, तो मैंने बाद में ये कंक्लूडिंग पार्ट भी आपको करवा दिया ताकि अब आप इसको क्लियरली समझ सको कि भाई हो क्या रहा है. चार्जिंग के दौरान आपको क्यू का ये वाला फार्मूला यूज करना है, डिस्चार्जिंग में ये, और ये आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए सारी की सारी चीजें. ठीक है ना, इसमें कोई भी आपका डाउट नहीं होना चाहिए आपको. ठीक,
तो चलो, तो अभी आज के लिए इतना ही, और इसके बाद आप अभी भी हमारा एसी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन आपके पास जो भी कोई बुक है उसमें आप ये वाले पार्ट को स्टडी कर सकते हो, और मैंने जो करवाया है इसको आप दोबारा से पढ़ो, दोबारा से दोबारा पढ़ो, लिख कर देखो, अदरवाइज ये हाथ नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है बच्चे, चले फिर, चलो ठीक है।